हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई डिज़ाइन अपलोड करूँ तो आप उसे मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आज की ये बड़ा डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये गेट पर्दा जो आपको दिख रहा है, ये आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक आप भी के साथ साथ बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पहले भी तैयार करके और उसके बाद इसमें लरी ऐड कर सकते हैं। तो दो तरीके से ये बनता है डिज़ाइन। दोनों में से जो भी आपको तरीका सिंपल लगे, आप उस टाइप से इसे बना सकते हैं। तो जैसे आपके लिए मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, आप जितना भी छोटा छोटा बनाना चाहें उतना छोटा छोटा भी बना सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें गोलाई में लरी डाल सकते हैं। तो लरी आप चाहे तो उसमें गैपिंग भी रख सकते हैं, या आप चाहे तो गैपिंग नहीं रख सकते। तो मैं इसमें गैपिंग नहीं रखूँगी, आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें गैपिंग चैन में रख सकते हैं जो हम गुल्ली बनाएंगे उसमें। और मैंने पहले भी कहा था, इसे बनाने का दो तरीका है। एक है कि हम भी बनाएंगे उसी के साथ साथ टोटल हमारा जो ये गेट बन रहा है टोटल बनता चला जाएगा, और इसमें मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ कि आप आसानी से भी तैयार कर ले और उसमें आप अलग से गुलाई में भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से।
चाहे तो गुल्ली में चैन भी दे सकते हैं, गैपिंग जैसे इस गेट में गैपिंग है आप उस तरह से गैपिंग भी रख सकते हैं, और इस तरह से आप गुलाई बना के बीच में लड़ी भी गिरा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर मैंने बस छोटा सा ट्रिक आपको बताया जिसकी मदद से आप इस टाइप का गेट पर्दा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें मैंने 3 भी बनाया है, आप गेट पर्दा में गिन ले कितना भी बना हुआ है, और बहुत ईजी है जिसे आप देख के आसानी से ये सिंपल गेट पर्दा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमें लड़ी गिराना है और बीच में इस तरह से आप देखिए गुलाई में रख सकते हैं, फिर छोटा उससे बड़ा इस तरह से ये बनता हुआ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस गेट पर्दे को आप इसमें जितना चाहे उतना भी बना सकते हैं। वैसे ये जो बना हुआ है गेट पर्दा इसमें साथ में ही बनता हुआ गया है, लेकिन मैंने इसमें आपको सिंपल तरीका बताया है जिसकी मदद से आप आसानी से जिन लोगों को बुनाई नहीं आती है वो आसानी से इसे बना सकते हैं। उनके लिए मैंने एक इजी स्टेप्स मैंने बताया है, और जिनको बुनाई आती होगी वो समझ गए होंगे कि भी के साथ किस तरह से बनते हुए ऑटोमेटिक ये चला जाता है, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए।